नमस्कार दोस्तों, कुछ दिनों में सरकार स्कूलें खोलने जा रही है, तो स्कूल खुलने से पहले आपको ये सब जान लेना चाहिए कि कैसे आप अपने बच्चों को कोरोना होने से बचाएं, कैसे आप अपने बच्चों को इन्फेक्शन होने से बचाएं और कैसे आप अपने बच्चों को बीमार होने से बचाएं। आप सभी जानते हो कोरोना को लेके हमारी सरकार, देश, दुनिया सब लोग चिंतित है। अगर आपके बच्चे भी स्कूल जाते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा खास होने वाला है, इसे लास्ट तक देखना। सो बने रहिए और देखते रहिए। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है आर के देवरवाल और मैं लाइफ स्टाइल कोच हूँ। अगर आपके बच्चों ने कुछ ऐसी गलतियाँ की, कुछ मिस्टेक्स की, तो हो सकता है वो संक्रमण का शिकार हो जाए। और संक्रमण का शिकार होने के बाद आपको पता है कि उसका ट्रीटमेंट वगैरह क्या प्रोसीजर बहुत ज़्यादा कॉस्टली है और किस तरह से हॉस्पिटल्स में ट्रीटमेंट चल रहा है, आप सभी जानते हो। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं। हमारी टीम ने आप सभी के लिए 10-12 ऐसे पॉइंट बनाए हैं जिससे आप अपने बच्चों को किसी भी तरह के संक्रमण या किसी भी तरह के वायरल इन्फेक्शन होने से रोक सकते हैं। ये जो कुछ पॉइंट्स अब मैं बताने जा रहा हूँ, इसे आप बिल्कुल गौर से, ध्यान से देखें। अगर आप चाहो तो इसे लिख भी सकते हो, क्योंकि ये आपके बच्चे की हेल्थ का सवाल है। जब भी आपके बच्चे बाहर निकले, आप इंश्योर करें कि उनके फेस पे मास्क है। अगर उनके फेस पे मास्क नहीं है तो आपको चाहिए कि आप उनको मास्क पहना के भेजिए। अपने बच्चों के बैग में ये चीजें आपको रखनी है कंपलसरी। हैंड सैनिटाइजर, हैंड वॉश, हैंड ग्लव्स, सोप या लिक्विड। आप इंश्योर करें जब आपका बच्चा बाहर निकलता है तो बस वगैरह, सीट वगैरह या किसी और से अपने हाथ टच ना करें, किसी से हैंडशेक ना करें, या आप उनको अच्छे से समझा के भेजें, क्योंकि इस तरह से संक्रमण होने का खतरा बहुत ज्यादा हो जाता है। अगला है बेवजह किसी चीज को ना छुए। अगर उनको छूना पड़ भी रहा है तो तुरंत अपने बैग से हैंड वॉश निकालें और हैंड वॉश करके सैनिटाइज करें। ये आपके बच्चे को किसी भी संक्रमण होने की स्थिति में सेफ रखेगा। नेक्स्ट है बाजार से कोई भी खाने पीने की वस्तु ना खरीदे। ऐसा आप अपने बच्चों को एजुकेट करके रखें कि किसी तरह की खाने पीने की चीज़ आपको मार्केट से नहीं लेनी, किसी के संपर्क में नहीं आना। आपको जो भी पसंद है आप उनसे पूछें और आप अपने घर पे उनके लिए बना के रखें ताकि वो बाहर का खाना नहीं खाए। ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप अपने बच्चों को इतना एजुकेट करके रखें कि उनको एनी हाउ बाहर की चीज़ें नहीं खाने। हो सकता है बहुत से दोस्त हैं उनको फोर्स करें, या हो सकता है बच्चे उनके लिए कुछ नहीं होता, बट ऐसी स्थिति में आपको अपने बच्चों को ठीक से समझाना है और उसे उसके माइंड में ये बात आपको डालनी है कि बाहर से कुछ नहीं खाना। आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। जो टिफिन लेके जाते हैं उसे आप रोज अच्छे से क्लीन करें और उसको स्टरलाइज करें। स्टरलाइज करने के लिए आप उसे गर्म पानी में कुछ देर के लिए डाल सकते हो। ये सबसे बेस्ट तरीका है टिफिन को स्टरलाइज करने का। अपने बच्चों से कहें कि वो किसी से अपना खाना शेयर ना करे, ना किसी का खाना खाए, ना किसी को अपना खाना दे। अपने बच्चों के टिफिन में इंश्योर करें कि जो खाना आप डाल रहे हो वो हेल्दी होना चाहिए। उसमें वो असेंशियल विटामिन्स, मिनरल्स, फाइबर्स होने चाहिए जो आपके बच्चे की ओवरऑल ग्रोथ के लिए जरूरी है, जो इम्यूनिटी को बढ़ा देते हैं। टिफिन में हमेशा हेल्दी फूड रखें, जैसे चावल, दाल, एप्पल एक्सेट्रा। ये आपके बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी है, और नींबू, चावल और एप्पल, ये सब इम्यूनिटी को काफ़ी अच्छे से बढ़ाने में हेल्प करते हैं। आप चाहे तो डायनाशेक यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये बच्चों की इम्यूनिटी बढ़ाता है, उनकी प्रतिरोधक क्षमता को एडवांस करता है और उनकी हाइट तक बढ़ा देता है, उनका वेट तक बढ़ा देता है। अगर आपके बच्चे वेट गेन नहीं कर पा रहे तो ये ऐसे केस में आपके बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर आपके बच्चे का वेट बढ़ता जा रहा है तो भी आप डायनोशेक यूज कर सकते हैं। इसके वर्ल्ड वाइड बहुत ज़्यादा यूज होते हैं और ये वर्ल्ड वाइड बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। तो बैलेंस न्यूट्रिशन का अगर आपको ऑप्शन ढूंढना है तो डायनोशेक सबसे बेस्ट है। अदरवाइज आप फ्रूट, वेजीज, इस तरह के कॉम्बिनेशन बना के अपने बच्चे की विटामिन वगैरह की पूर्ति कर सकते हैं। नेक्स्ट है जब आपके बच्चे स्कूल से घर आए तो आप उनको पहले बाहर रोके, उनसे कहे अपने कपड़े बाहर निकाल के रखे और हाथ पैर वगैरह धो के ही अंदर आए। जैसे वो अंदर आए उनको नहाने को बोलो। नहाने के बाद हैंड सैनिटाइज करके अच्छे से पहुंच के फिर वो दूसरे कपड़े, जो बाहर कपड़े रखे हैं आपको उनको ठीक से वॉश करना है और कम से कम 3 से 4 घंटे धूप में सुखाना है ताकि उनके बैक्टीरिया अच्छी तरह से खत्म हो जाए। नेक्स्ट है घर आते ही आप अपने बच्चों का टेम्परेचर जरूर ले, क्योंकि टेम्परेचर ही जरूरी है आज के टाइम पे पता करने का कि आपका बच्चा हेल्दी है या नहीं है। अपने बच्चों को ठीक से एजुकेट करके रखें कि कोरोना क्या है, कोरोना फैलता कैसे है, कोरोना होता कैसे है और कोरोना होने के बाद के सिम्टम्स क्या आते हैं। ये तरीके आपके बच्चे को पता होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि जब एजुकेशन होती है, जब नॉलेज होती है, तभी हम किसी चीज़ को हरा सकते हैं, किसी चीज़ से बच सकते हैं। तो आपके बच्चे तभी बचे रहेंगे जब उनको प्रॉपर एजुकेशन मिलेगी
कोरोना के लिए। तो ये थे कुछ आसान तरीके अपने बच्चों को संक्रमण से बचाने के लिए। तो इन पे आप जरूर गौर करें, ये आपके बच्चे को संक्रमण होने से बचाएंगे, ये आपके बच्चे को हेल्प करेंगे, आपके बच्चे को प्रोटेक्ट करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहो, हेल्दी रहो, फिट रहो। थैंक यू वेरी मच।